फिरोजाबाद समाजवादी ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रपाल सिंह गुर्जर आज अपने प्रस्तावक सपा एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव के साथ नामांकन को फिरोजाबाद सदर स्थित ब्लॉक पर पहुंचे, जहां वे प्रस्तावक के साथ अंदर नामांकन को आए और वहीं डॉक्टर दिलीप यादव मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशी इंद्रपाल सिंह नामांकन करने को प्रस्तावक व समर्थक संघ अंदर गए हैं। भाजपा जिस तरह से कुठाराघात कर रही है, अधिकार छीनने का काम कर रही है, उसे जनता समझ चुकी है। 2022 में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे और हमारे प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रपाल सिंह की 100% जीत सुनिश्चित है। वहीं प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रपाल सिंह ने कहा कि उन्होंने नामांकन कर दिया है, वह जीत के प्रति 100% आश्वत है। काफी संख्या में सपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। फिरोजाबाद से राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। आए हैं किस तरीके से, कैसी रूपरेखा रहेगी? फिरोजाबाद सदर में नामांकन करने हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रपाल सिंह जी आए हैं, वो अंदर चले गए हैं और हमारे प्रस्तावक समर्थक सब लोग गए हैं। हमारे सभी साथी समाजवादी पार्टी के यहाँ आए हैं और हमें उम्मीद है हर हालत में बड़ा अच्छा चुनाव जीतेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कुठाराघात कर रही है, लोगों के विचारों को दबाने का काम कर रही है, संवैधानिक अधिकार छीनने का काम कर रही है, मानव अधिकार छीनने का काम कर रही है, ब्रिटिश पीरियड की तरह जिस तरह डिक्टेटरशिप का काम कर रही है, वो जनता के सामने है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, 2022 में जनता का पूरी तरह से रिजल्ट, जनता का परिणाम सामने एकदम देखने को मिलेगा। जिस तरह जितना दबाव बना जा रहा है, वो जनता पढ़ी लिखी है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, वो सब चीज़ समझ रहे हैं, इसीलिए बहुत जल्दी ही 2022 में ये सब परिणाम देखने को मिलेंगे और ब्लॉक प्रमुख है हमारे प्रत्याशी जीत की तरफ। के लिए ये कितने सुनिश्चित है? मैं 100% जीत के लिए सुनिश्चित हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आप लोगों का बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप इस विचित्र स्थिति में, विचित्र समय में आप लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तो आप बहुत बहुत आभारी हैं। निश्चित जीते हैं, आप सब लोगों का प्यार मिल रहा है, सारी चीज़ें हैं, तो हम निश्चित जीते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, अपनी पार्टी के लोगों को देना चाहूँगा, जो वो इतने कीमती समय निकाल कर मेरे साथ खड़े हुए हैं, ईंट पत्थर चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े हुए हैं। सारे पार्टी के लोग, सारे मेरे समर्थक, परिवार के लोग और मीडिया के लोग, सब लोग मेरा इतना सहयोग कर रहे हैं, सब लोग बहुत बहुत आभारी हैं। मैं उनको बहुत बहुत अरे बस